क्वेश्चन थर्ड का सिक्स्थ पार्ट, 5 years हैंस द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज विल बी, होगी कब, 5 years हैंस यानी 5 साल बाद, जैकोब एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी अब से 5 साल बाद जैकोब की एज अपने सन से 3 times हो जाएगी, 5 years एगो और अब से 5 years पहले जैकोब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, अपने सन से 7 times थी, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनके प्रेजेंट एजेस क्या है, किसकी, जैकोब की और उसके सन की, लेट द एज ऑफ जैकोब, लेट द एज ऑफ जैकोब कितनी मान ली हमने, एक्स ईयर्स, लेट द एज ऑफ सन, सन की मान ली हमने वाई ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years 5 साल के बाद क्या होगा, जैकोब्स एज, जैकोब्स एज क्या बन जाएगी, प्रेजेंट में अगर एक्स है ये, बल्कि लेट द एज ऑफ जैकोब, बल्कि प्रेजेंट एज भी कह सकते हैं इसको, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 years, सन्स एज वाई प्लस 5 years, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि 5 years के बाद जो है जैकब की एज अपने सन की एज की 3 times होगी, जैकब की एज क्या आपकी एक्स प्लस 5, सन की एज क्या है वाई प्लस 5, सन की एज का 3 times हो जाएगी, जैकब की एज 5 साल बाद सन की एज का क्या होगा 3 times, 3 गुना होगी, बस यही करना था, और आसानी से हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, और यहाँ से x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 और 5 राइट साइड में जाके माइनस 5, x इज इक्वल टू 3y 15 में से 5 गए कितने रहेगा आपके 10, ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, ये तो कब की बात, 5 साल के बाद क्या हो रहा है, अब पूछा 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात करते हैं, 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले क्या होगा, अगर प्रेजेंट में जैकब की x है तो 5 साल पहले जैकब की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ जैकब, क्या बनेगी, x माइनस 5 years, एज ऑफ सन y माइनस 5 years, दोबारा फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये 5 साल पहले 5 years ago जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ इज सन, जैकब की एज एक्स माइनस 5, अपने सन की एज का क्या थी 7 times थी, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 7y माइनस 35, एक्स 7y कोई साइड में लिखा तो एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 कर दें इसको, एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, ये आपकी इक्वेशन होगी सेकंड इक्वेशन, इस सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू, पुट वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन टू, x किसके बराबर आपका 3y+10, इस x की जगह लिखूंगा मैं 3y+10 और उसके बाद क्या आपका 3y+10 x की जगह -7y = -30, 3y - 7y क्या बचा है आपका -4y, -30 10 राइट साइड में जाके हो जाएगा -10, -4y = -40 एंड y = -40/-10, y = 4, y = 4 हमें पता चल गया है। अब y = 4 को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुट y = 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट y = 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रही x = 3y+10, 3y, y के जगह कितना रखा 4+10, देन x = 3 × 4, 12+10, x = क्या हो जाएगा आपका 22, x = आपका हो जाएगा 22, कहीं गड़बड़ कर दिए, y की वैल्यू कितनी निकाली हमने, हाँ यहाँ गलती कर दी, 10 ये नीचे आपका क्या देखिए 10 10, ये आपका 4 था, ये 4 यानी नीचे कितना था आपका 4 था, और 4 10 = 40 यानी कितना आएगा आपका यहाँ पे 10 आएगा, y = 10, और फिर यहाँ क्या रखेंगे y = 10 रखेंगे, यहाँ भी y = 10, यहाँ 3y, y के लिए कितना रखेंगे 10, तो 10 3 जा क्या हो जाएगा आपका 30, और 30+10 ये आपका क्या हो जाएगा 40, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई लास्ट में आके 40, तो x हमने किसकी एज मानी थी जैकब की, और y हमने किसकी मानी थी उसके बेटे की, तो सो जैकब एज इज सो एज ऑफ जैकब, x मानी थी कितनी हो जाएगी आपकी 40 ईयर्स, एज ऑफ सन, वाई माना थ्रू वाई हमारा कितना है 10, क्या जाए आपकी 10 ईयर्स। इस ढंग से आपका थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट कंप्लीट, और ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट और एक्सरसाइज भी कंप्लीट, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।